और आपको इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर अब हम बताते हैं। धर्मशाला से साइकिल पर यूपी से हिमाचल एक युवक पहुंचा है। क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी आपको देंगे। सुंदरम ने दरअसल लोगों को जागरूक किया है पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूक युवक कर रहा है। इसी को लेकर साइकिल के जरिए वो यहाँ पर पहुंचा। वीरवार को कांगड़ा सुंदरम तिवारी पहुंचा, पौधारोपण किया, लोगों को जागरूक किया। मैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूरे भारतवर्ष की यात्रा कर रहा हूं। यह मेरा दूसरा समय है। इसके पहले मैंने जो यात्रा करी उत्तर प्रदेश में, बिहार में और नेपाल में 1,25,000 पेड़ लगाए और अधिक से अधिक विद्यालयों में जाकर बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताया। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैं 1,32,000 वृक्ष लगा चुका हूँ, लगभग 18,000 से 19,000 विद्यालयों में जा चुका हूँ। जैसे कि आप लोगों ने कल परसों में पढ़ा होगा कि दुनिया के सबसे 15 गर्म शहर में से भारत शहर जो है भारत से है और दुनिया का सबसे गर्म शहर जो है बांदा वो है भारत से। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय है कि जिस देश में हम पीपल बरगद पाखड़ को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में उसकी पूजा करते हैं, आज देश की स्थिति यह हो गई है कि दुनिया के 15 सबसे गर्म शहरों में भारत से हैं और टॉप 10 पोल्यूटेड सिटी में 8 भारत से हैं। दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी भारत से है, सबसे गर्म शहर भारत से है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है जो हमारी आने वाली पीढ़ी को सोचना होगा। इन्हीं विषयों को लेकर मैं यात्रा पर निकला हूँ। चिंता जाहिर की है क्योंकि पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। सौरभ अटवाल हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। सौरभ, ये युवक धर्मशाला पहुंचा है और लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर सुंदरम तिवारी जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं वो साइकिल पर पर्यावरण को लेकर जो लोगों को जागरूक करते हुए जो आ रहे थे तो वो आज जिला कांगड़ा पे पहुंचे हैं और उनका साफ तौर पे ये कहना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जिस तरह से आज लोगों द्वारा जो पेड़ काटे जा रहे हैं, लगातार पोल्यूशन फैल रहा है और कहीं ना कहीं जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उस चीज को, सब चीजों को लेकर जो है वो जागरूक भी लोगों को कर रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान मैं बताना चाहूंगा महिमा कि वो स्कूलों में भी जा रहे हैं और स्कूली बच्चों को भी जो पर्यावरण को लेकर जो है बचाने का संदेश दे रहे हैं। जी महिमा, हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे साथ सुंदरम तिवारी खुद जुड़ चुके हैं जो कि धर्मशाला पहुंचे हैं। सुंदरम तिवारी जी, आपका स्वागत है जनता टीवी पर और काबिले तारीफ आपका ये कदम है क्योंकि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं और पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं अलग अलग जगहों पर जाकर। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत जनता टीवी का। जी, जैसा कि आपने बताया कि मैं भी कांगड़ा में हूँ, आज कांगड़ा से आगे निकलना है जी। और इस यात्रा में मेरा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा विद्यालयों में जाना है ना जी। बच्चों को पर्यावरण के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति जागरूक करना। जैसा कि आप देख रहे हैं भारत की वर्तमान में स्थिति कितना चिंताजनक हो गई है, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। अभी सर्वे आया था, मैं असल उस विषय में देख रहा था कि 12 सबसे गर्म शहर दुनिया के अगर देखें तो 15 में 12 भारत से हैं। अगर टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी में देखें तो 8 भारत से हैं, टॉप 50 में 35 भारत से हैं। तो कहीं ना कहीं सर्व समाज को ये सोचना और चिंतन करना पड़ेगा कि जिस देश में हम सनातन परंपरा में, हर परंपरा में पेड़ों को भगवान के रूप में, हमारे यहाँ त्रिवेणी के रूप में उनकी पूजा होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश तुलसी को माँ माना गया है, उस देश की स्थिति क्या हो गई है कि उस देश में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, एनवायरमेंट जो चेंजेस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन विषयों को छात्रों को जागरूक होना पड़ेगा और छात्रों को आगे आगे काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक लोगों के मन में विचार नहीं है उत्पन्न होगा कि यह देश मेरा है, या राष्ट्र मेरा है, या समाज मेरा है, या शहर मेरा, या गाँव मेरा है, तब तक यह देश स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर नहीं हो सकता जी। तो इन विषयों को लेकर मैं ज्यादा से ज्यादा विद्यालयों में जा रहा हूँ और साइकिल से इसलिए जा रहा हूँ कि साइकिल, आपने देखा होगा कि आजकल भारत देश में या किसी भी शहर की बात कर ले तो साइकिल लगभग विलुप्त होती जा रही है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लोग विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं, आप साइकिल चलाकर अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से हमें आप पर्यावरण में भी सहयोग करते हैं। इन विषयों को जाकर मैं ज्यादा से ज्यादा विद्यालयों में और समाज को जो प्रमुख लोग हैं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक लोग, ठीक है, जागरूक करने को मुझे निवेदन करने का प्रयास। ठीक है, आपका एक कदम काबिले तारीफ है और उम्मीद है लोग भी इससे जागरूक होंगे और लोग भी जागरूक होंगे कि अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं। आपका शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने